नम्मा बेंगलुरु, आज की डेट ऑफ जर्नी 23 फेब। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और करंट लोकेशन अगर आप देख रहे होगे, ये हो गया आनंद राव सर्कल का VRL बस टर्मिनल। इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी मुंबई टू बेंगलोर की वॉल्वो 9600 की बस जर्नी। अगर आप देखोगे, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ VRL की वॉल्वो B11R मल्टी एक्सल AC स्लीपर की जर्नी। और आपसे इतना ही कह सकता हूँ, अब तक की मेरी सबसे लॉन्गेस्ट बस जर्नी ये है बेंगलोर से दिल्ली की बस जर्नी। और ये वाला जर्नी मैं आपको दो पार्ट में दिखा रहा हूँ। पहले हम ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम बेंगलोर टू अहमदाबाद, और दूसरे पार्ट में आप देखोगे अहमदाबाद से दिल्ली की जर्नी। बिकॉज लोगों के कमेंट आए थे, फीडबैक आए थे कि भैया लॉन्ग बस जर्नीज कीजिए। चलिए आपके सामने लॉन्ग बस जर्नीज। बेंगलोर टू दिल्ली का डिस्टेंस आप मान लीजिए 2200 किलोमीटर्स। दो पार्ट में ये वाला व्लॉग है, फिलहाल हम देखने जा रहे हैं पार्ट वन। शुरू करें, देखो आपको स्टाइल पता था, कम ऑन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं लॉन्ग बस जर्नीज के साथ। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। देखो VRL का आप देखोगे बिजनेस का, बसेस का तो है ही, बट यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स का VRL का बिजनेस है उसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम। और आप देखो, अगर आप बसेस के फ़ैन हो ना, ये दोनों बसेस आप देखिए, पहले B11R जो पहले थी और अब आपके सामने 9600 का व्लॉग चैनल पर ऑलरेडी लाइव है। स्माइल करते रहिए और मेरे साथ घूमते रहिए। द #, देखो अपना देश, पार्ट वन यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। आप वहाँ पर हमारी वॉल्वो B11R देख सकते हो। अभी क्या है, क्लीनिंग वगैरह चल रही है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज अराउंड 8 o'clock का यहाँ से डिपार्चर है। मे बी इस वाले प्लेटफॉर्म पर, आप देख रहे हो, इस वाले प्लेटफॉर्म पर हमारी बस को लगाया जाएगा। और जब तक टाइम है, बिकॉज आप हैं सिलिकॉन वैली में, क्यों ना बस टर्मिनल पर कुछ ज़बरदस्त और गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट किया जाए। ये सौम्या जी, गुड मॉर्निंग, सब ठीक है? ये देखिए, यहाँ पर बाजू में एक होटल है मस्त, वहाँ से हमने इडली हो गई, मेदू वड़ा हो गया, चटनी सांभर, ये हुई ना। हाँ सौम्या, क्या कहना चाहेंगी, कैसी चल रही है ट्रैवल लाइफ? सुबह उठना पड़ता है, देखो उठना तो सबको ही पड़ता है, सुबह जल्दी उठना। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एकदम गर्मा गर्म नाश्ता यहाँ पर हम करेंगे, है कि नहीं, मज़ा आएगा भाई। देखो ये है ट्रैवलिंग का मज़ा। और एक बार नाश्ता पानी हो जाए सब, यह हमारी बस लग जाए और फिर पूरा आपको इंटीरियर वगैरह दिखाएंगे, कॉस्ट्यूम वगैरह दिखाएंगे, इस जर्नी के लिए बेंगलोर टू अहमदाबाद के लिए हमने क्या पे किया, सब डिटेल्स आपके सामने, बस व्लॉग देखते जाइए। आप ये नज़ारा देखिए, दो B11R आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज़ MH का रजिस्ट्रेशन और आप देखोगे 7240, ये मुंबई टू बेंगलोर अभी आई है। और पीछे जो आप देख रहे हो, अगेन MH रजिस्ट्रेशन B11R AC स्लीपर 9137। इसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। आज का आप व्लॉग देखिएगा, आपके सामने इतना ज़बरदस्त कंटेंट। और 11R में फाइनली पता नहीं कितने दिन बाद, देखो एक ये गई एक ये रही, VRL की B11R। भाई साहब एक बस लवर से पूछिए, यहाँ खड़े होके क्या सुकून मिलता है, ये देखो है कि नहीं। सिंपल सा फंडा ध्यान रखो, ये देखो ये आप देख रहे हो, ये हो गया मल्टी एक्सल, आपको मिलेगा रेयर इंजन। आप देखिए अभी तो पूरा आपको इंटीरियर वगैरह सब कुछ दिखाया जाएगा, कुर्सी की पेटी बांधे रखिए। और आज का व्लॉग देखिएगा, फुर्सत में बनाने वाला हूँ। लगभग कितनी देर की जर्नी, जो पार्ट वन की जर्नी है, लगभग 30 घंटे की जर्नी यहाँ से कर्नाटका से गुजरात की। आप देखिए लगेज लोड हो चुका है, पैसेंजर्स बोर्ड कर चुके हैं। बेंगलोर टू अहमदाबाद लगभग 1500 किलोमीटर्स हम जाएंगे वाया NH 48। और बिकॉज पूरे दिन की जर्नी है, मतलब 30 आवर्स की जर्नी, आप देखिएगा आज आएगा मज़ा। ये देखो दो ड्राइवर दादा हमारे संग हैं और आई गेस वो कंडक्टर दादा भी हमारे संग चलेंगे। ऑफिशियल डिपार्चर टाइम था सुबह 8 बजे का, अभी 8:20 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब देखिएगा रेस्ट स्टॉप्स कितने पड़ेंगे, लंच डिनर वगैरह सब कुछ आपको दिखाया जाएगा आपके सामने। बैक टू बैक बस जर्नीज, और जितनी बस जर्नीज की हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप बस जर्नी लवर हैं, देखिए जितनी जर्नीज देखना चाहें। अभी गई है KSRTC की अंबारी ड्रीम क्लास। यार यहाँ साउथ की बसेस का ना मज़ा ही अलग है, ये देख लीजिएगा। जा चलिए, गुड टू गो, एक और सफ़र शुरू होने जा रहा है मेरे लिए फिजिकली और आपके लिए वर्चुअली। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। देखो पूरा यहाँ पर सब तैयार है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन जैसे टिकट बुक की है, पूरा यहाँ पर सब कुछ गुड टू गो।
हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। और इससे पहले कुछ पैसेंजर्स आउट बोर्ड करें, सबसे पहले मैं आपको पूरा इंटीरियर बस का दिखा दूं। यहाँ पर लोअर देख लीजिएगा, ये साइड अपर आप देख लीजिए। फीचर्स वगैरह की अभी बात करेंगे। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी इस वाली बस की हो गई 36। ये साइड अपर आपको दिखाई और ये साइड लोअर। वाटर बॉटल होल्डर हो गया, ब्लैंकेट दिया गया है, पिलो दी गई है, प्लस आपको यहाँ पर आप देखोगे USB आपके लिए चार्जिंग पॉइंट हो गया। ये मैंने पहली बार देखा है, दिस इज़ एमरजेंसी एग्जिट और इतना ओपन इस वॉल्वो में दिया गया है। ये फीचर मेरे को बहुत सही लगा। और अगर आप देखोगे एंटरटेनमेंट के हिसाब से, अगेन TV मिसिंग है जो आपको पता ही है, और वॉशरूम ऑनबोर्ड है नहीं। ये अपर का हो गया। और जो हमने लिए इस बार L2122, ये फाइनली सौम्या जी इज कमिंग इन द व्लॉग। लोग सोच रहे होंगे कि सौम्या जी कहाँ है, हमारे गायब हो गए। थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो ये हमने लिया है, पूरा देख लिया, सामान वगैरह हो गया सब कुछ। सीट कंफर्टेबल है ना, एकदम मज़ेदार है ना। इतना लंबा सफ़र है, 30 घंटे की जर्नी है, सोची हाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सब हो गया, पीछे चार्जिंग पिलो ब्लैंकेट। अरे भाई ऐसी वॉल्वो है भैया, ऐसी थोड़ी ना। ये देख लीजिएगा, सबसे लास्ट में आपको और लेके चलेंगे। पैसेंजर कैपेसिटी आपको बताई थी, पीछे आप देख लीजिएगा, ये लास्ट का हो गया। बट जैसा मैं आपको बताता हूँ, लास्ट सीट अवॉइड कीजिएगा बिकॉज ऑफ द टायर्स। वॉल्वो में भी पीछे CCTV कैमरा नहीं, यहाँ पर भी एक एमरजेंसी एग्जिट हो गई। चलिए, आपको इंटीरियर कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइए। और आपको बता दूँ, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टिकट वॉल्वो की जो मैंने ली है। कॉस्टिंग मैं आपको बाद में बताऊँगा कि इसका हमने कितना पे किया है। बट इंटीरियर, प्रीवेसी के लिए कर्टिन्स वगैरह हो गए, मेरे हिसाब से सब कुछ फर्स्ट क्लास। जर्नी की शुरुआत की थी सुबह 8:30 के अराउंड, नाउ इट इज़ 11 o'clock। और अब हमने लिया है ब्रेकफास्ट ब्रेक आप कह लीजिए। यहाँ पर आप हमारी बस देख सकते हो, और उस तरफ आपको बता दूँ दैट इज़ NH 48। फर्स्ट क्लास आपको लेडीज़ यहाँ पर, लेडीज़ जेंट्स वॉशरूम मिलेगा। ब्रेकफास्ट का यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये देखो, इन्होंने VRL ने अपना खुद का यहाँ पर स्पेस बना रखा है। ये देख रहे हो आप, देखो वहाँ पर ब्रेकफास्ट का होगा। देखते हैं आप वहाँ पर क्या क्या खाने को मिलेगा। बट इतने टाइम बाद इतनी लंबी जर्नी करना, सोचो मैं जा रहा हूँ बेंगलोर से दिल्ली, और वो भी दो बस जर्नीज आपके लिए बैक टू बैक। और जब आप इतनी लॉन्ग बस जर्नी कर रहे हो, प्लीज़ कोशिश कीजिए साथ में कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खाना पीना अपना साथ में ज़रूर कैरी करें। ये तो महज शुरुआत है, अभी तो आप देखिएगा। बात है बस की, जब इतनी अच्छी बस होती है ना, B11R Multi-XL, कम्फर्ट आपको मिलता है। सच में इतनी बड़ी जर्नी, इतनी लंबी जर्नी का पता नहीं लगता। आपको बताइए, इंडिया की लॉन्गेस्ट बस जर्नी भी मैंने की थी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो देखिएगा, पुणे आप मान लीजिए यहाँ से कुछ अराउंड 750 किलोमीटर्स, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। आपको बताया ना, बेंगलोर से दिल्ली आप मान लीजिए कितनी किलोमीटर की मैं जर्नी कर रहा हूँ, अराउंड 2200 किलोमीटर्स। सौम्या अंदर गई है, चलो पहले कुछ खाने पीने को देखते हैं, पहले पेट पूजा कर लें, बातचीत तो व्लॉगिंग तो चलती रहेगी यार। आप सोचिए, अभी तो सिर्फ 90 किलोमीटर्स की जर्नी हुई है। खाने पीने का ध्यान रखिएगा, लिमिटेड खाइए, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, लिक्विड जूस वगैरह पीजिए जितना हो सके, कम से कम फूड कंजम्पशन। और एक्चुअली क्या, मैं इतने दिन बाद इतनी लंबी बस जर्नी कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा अपने आप में मानिए थोड़ा सा मैं अलर्ट हूँ। और बिकॉज सौम्या मेरे संग है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखा है। कर्नाटका का आपको बता दूँ, एरिया वाइज 6th नंबर का स्टेट। और आपके लिए छोटा सा होमवर्क, कर्नाटका का स्टेट फ्रूट कौन सा है, अगर आपको जवाब पता है ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सब पैसेंजर्स उतरे हैं, खाना पानी चलता हुआ, ड्राइवर दादा उतरे, ब्रेकफास्ट हो जाए, और फिर यहाँ से एक बार फिर से सफ़र की शुरुआत करेंगे। इतनी बड़ी लंबी जर्नी होने जा रही है, वो भी पूरी की पूरी मान लीजिए दिन में। पेशेंस, आप बताइए आपने सबसे लॉन्गेस्ट बस जर्नी कौन सी की है, रूट बताइएगा ज़रा कमेंट करके। कोशिश करेंगे अगर मैं भी उस वाले रूट पर जर्नी कर पाऊँ। देखो पूरे पर आप देखोगे, ये VRL का पूरा एक टर्मिनल है, खुद का बस टर्मिनल। फिलहाल हमारी सिर्फ वॉल्वो B11R यहाँ खड़ी हुई है। डीजल की बात करेंगे, कहाँ डीजल रिफ़िल होगा सब देखेंगे,
बट धूप का ध्यान रखिए, वेदर का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। शुगर केन जूस मस्त। सफरनामा एक बार फिर से चल पड़ा है। यस सौम्या जी, हाउ इज द जर्नी गोइंग टिल नाउ? मजा आ रहा ना? कंफर्टेबल? बस कंफर्टेबल बट बस कंफर्टेबल है। एक करंट ऑपरेटिंग स्पीड आप देख लीजिएगा अराउंड 100 किलोमीटर पर आर। और सबसे अच्छी बात आप ये देखिए, हमने दोनों लोअर सीट ले ली, तो आप देखोगे एक ये मान लीजिए प्राइवेट केबिन जैसा बिल्कुल ऑन बोर्ड है। खाने पीने का ध्यान रखिए, गुजरात जा रहे हैं तो हमने चकली ले ली है, प्लस पूरी 2-3 पानी की बॉटल सब कुछ रखी हुई है। इतनी लंबी जर्नी है बेंगलोर से दिल्ली की जर्नी। यस, बैग वगैरह आप देखो सब, उसमें सब फूड वगैरह है, उसमें सब सामान वगैरह हो गया, सब आप देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास। एक बात तो कहना पड़ेगा, वॉल्वो की जो जर्नी है ना, और अगर आप कपल में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप रेगुलर ट्रैवलर्स हो, है ना, वी आर ट्रैवल बडीज, तो वॉल्वो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्लास एसी चल रहा है, बाहर धूप कुछ एसी की वजह से समझ नहीं आ रहा, बट आप देखिए अब नेशनल हाईवे पर वॉल्वो क्या भागेगी, भागेगी नहीं दौड़ेगी, दौड़ेगी भी नहीं उड़ेगी। ए भाई, ए भैया, हां बोलो बोलो। आज तो ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही फुर्सत में मैं बस जर्नी का करने निकला हूँ। एक और स्टॉप हमने लिया है, वॉशरूम का नहीं है, खाने पीने का नहीं है। अगर आपको यहाँ दिखाया जाए, अब हमने ब्रेक लिया है डीजल के लिए, आप देखो। और वापस अगर आप देखोगे VRL का खुद का प्राइवेट टर्मिनल आप कह लीजिए, बस स्टैंड आप कह लीजिए, इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि VRL कितनी बड़ी बस कंपनी है। अगर आपको नींद पूरी करनी है, ये वाली बस जर्नी कर लो भाई साहब, मैं तो सो रहा हूँ। टोटल कैपेसिटी अगर आप इस वाली वॉल्वो B11R की देखोगे, अराउंड 500 लीटर्स की डीजल कैपेसिटी है। अभी करंटली भैया बता रहे हैं कुछ अराउंड 150 हम डालेंगे, आगे फिर और भी डाला जाएगा। खुद का VRL का प्राइवेट टर्मिनल, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी है और वहाँ पर खाने पीने का भी है। इन केस अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, अच्छा खाना पीना मिलेगा, और सबसे अच्छी बात है वॉशरूम्स। सोचिए VRL ने इतने कम टाइम में, मैं कहूँगा इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है। 9600 आपको मिलेगी, स्कैनिया मिलेगी, वॉल्वो मिलेगी, सीटर, नॉन एसी, सब बसेस VRL के पास आपको मिलेंगी। अभी तो हम सिर्फ यहाँ पहुँचे, लोकल जगह है चित्रदुर्गा, अभी तो सिर्फ जर्नी की शुरुआत हुई है। यस, डीजल डाल दिया गया है। चलिए यहाँ से अब वापस एक बार फिर से चलते हैं। कोशिश कर रहा हूँ जितनी जर्नी मैं आपको दिखा पाऊँ, बट सच में पेशेंस चाहिए। और सोचिए कितने पैसेंजर्स, आई गेस 20 पैसेंजर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड है जो गुजरात की तरफ जा रहे हैं। कितने अहमदाबाद जाएंगे लास्ट में वो देखना पड़ेगा, बट पूरी बस लगभग 20 पैसेंजर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड। भाई साहब जगह देखो आप, यहाँ से कौन कौन ये व्लॉग देख रहा है ज़रा बताइएगा, लोकल जगह जो आपको बताया, और अभी भी कर्नाटका ही चल रहा है। आप एक ऐसी बस जर्नी कर रहे हैं जिसमें लंच हो रहा है कर्नाटका में, डिनर होगा महाराष्ट्र, और कल सुबह का ब्रेकफास्ट होगा गुजरात में। वेलकम टू द हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया। आप यहां पर देख लीजिए हमारी बस का, सबसे अच्छी बात यह देखो, बस को लॉक कर दिया गया है, सब पैसेंजर्स उतर चुके हैं। अब बज रहे हैं दोपहर के 2, हमने लिया है लंच ब्रेक। सबसे अच्छी बात है लंच, वॉशरूम वगैरह बिल्कुल ये ऑन टाइम दे रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। लोकल जगह आपको बता दूँ चल्लागिरी, इफ़ आई एम प्रोनंसिंग करेक्ट। और इस तरफ आप देखोगे तो अभी भी हम चल रहे हैं NH 48। हुबली यहाँ से कितना दूर? अराउंड 120 किलोमीटर्स। और जर्नी बस में ये मानिए टाइम का पता ही नहीं चलता, आप गाने सुनते रहिए, सीरीज़ वगैरह देखते रहिए, कुछ पता नहीं चलेगा। बट विंडो के बाहर बैक टू बैक मत देखिएगा, सच बता रहा हूँ, हो सकता है आपको वॉमिटिंग हो, प्लस सिर भी दर्द करे। VRL की आप 2 बस यहाँ पर देख सकते हो, एक ये है और एक उस तरफ भी आई गेस वो जा रही है गोवा, बेंगलोर टू गोवा रूट पर। वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस हैं, बट आपको बताइए बस जर्नी में मेरा क्या ना दिक्कत है यार, मैं नहीं खाता, मे बी बटर मिल्क वगैरह शायद कुछ हम ले लेंगे। बस सफ़रनामा चल रहा, अभी अभी जो पैसेंजर गोवा जा रहा है उसने वॉमिटिंग करी है, देख लो।
देख लो बाहर बाहर देखो देखो कैमरे पे मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कहता हूँ लिमिटेड खाओ। तो सुखी रेस्टोरेंट हम रुके हैं, अब मेन्यू आप देख लीजिएगा, प्योर वेज आपको मिलेगा। और सौम्या चेस हो जाए, ये बात यहाँ चल रही है छाछ भाई। इस टाइम पे दोपहर में बटर ठंडा यार अच्छा है, बटर मिल्क से अच्छा कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो चटोरे होते हैं और अपने चटोरेपन पे कृपया करके कंट्रोल पाएं, स्पेशली जब आप 30 या 30 घंटे की बस जर्नी कर रहे हैं। देखो अभी वो वॉमिटिंग करके चुकी है। समझा, मैं तो पहले ऐसे भटकता रहता था, मेरा तो रोज़ का था, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। बट हाउज योर लाइफ गोइंग, ये बताओ तुमको क्या अच्छा लग रहा है? नहीं, अगर तुमको दो ऑप्शन दिए जाए, एक कॉर्पोरेट जॉब और दूसरा ट्रैवल ब्लॉगिंग, क्या चूज करोगे तुम? ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन भाई, इस ट्रैवल ब्लॉगिंग का नशा ही ऐसा है यार। आपको देखो, आपको अपना देश देखने को मिलता है यार, कुछ और चाहिए क्या? घूमने को मिलता है। हाँ जी हुजूर, नहीं करनी। यस सर नहीं करनी बस। हैं बस। और पैसा उसकी बात नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंशियल चीजों की बात नहीं करेंगे। लोग पूछते हैं पैसा कितना कमा लेते हो? कमा लेते हैं, घूमने को मिल जाता, बस घूमने को मिल जाता, घूमने को मिल जाता है और बटर मिल्क पीने को मिल जाता है बस। इतना कमा रहे, ज्यादा कुछ नहीं कमा रहे। ये देखो यहाँ पर आप देख लो, नेशनल हाईवे का माहौल देखो, KSRTC की अंबारी एरावत क्लब क्लास आप देखो, सेमी स्लीपर आ रहा है भाई साहब। ये हुई ना कुछ बात, उनको दिखाया कि नहीं ऐसे कैमरा? दिखाया ना, पूरा रोल करके दिखा दिया। हाँ, भाई बस यहाँ पर जरा यहाँ से बता रहे हो, दिखाया नहीं घुमा के? नहीं नहीं, हमको पता है सबको किसको कितना दिखाना और कब दिखाना है। कट कट कट। वॉल्वो B11R की जर्नी हो और आपको केबिन राइड नहीं दिखाई जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? करंट वक्त इवनिंग के अब बज रहे हैं 6:00 और आप देख लीजिएगा यहाँ पर हमारी वॉल्वो की चल रही है केबिन राइड। जो दूसरे ड्राइवर दादा हैं वो भी रेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज नाइट में वो ड्राइव करने वाले हैं। यहाँ आप देख लीजिएगा NH48। सबसे पहले आपको डिस्टेंस का बता दूँ, यहाँ से अब कोल्हापुर अराउंड 120 किलोमीटर और पुणे हो गया कुछ अराउंड 340 किलोमीटर। और दादा बता रहे हैं आगे क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड उतना ठीक नहीं है, तो शायद जो हमारा डिनर ब्रेक है उसके लिए थोड़ा बहुत लेट होगा या वो थोड़ा और पुश होगा, लेट्स सी। बट आप ये इवनिंग में यहाँ बैठ कर आप ये नज़ारे देखिए वॉल्वो B11R के, वो पीछे आपको बता दूँ पूरी गाड़ी अब लगभग पैक जा रही है। बट यहाँ पर आप सनसेट देख सकते हो और ये देखिए, आपसे कहा ना इसमें आपको मिलता है, ये हो गया आपके लिए ऑटोमेटिक गियर, प्लस आपको मिलेगा रेयर इंजन। तो अगर आप वॉल्वो केबिन B11R का केबिन राइट देखोगे, ये देखो आप स्पेस वगैरह का देख रहे हो ना, तो यहाँ पर जर्नी हमारी फर्स्ट क्लास चलती हुई और यहाँ पर बैठ के थोड़े बहुत आप नज़ारे लीजिए इन केस यार, बिकॉज देखो मैं तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरे को अलाउड है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये देखो कैसा लग रहा है NH48। वॉल्वो की टॉप स्पीड आपको बताई थी कितनी जा रही है, अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर। सच में आप ये अभी भी हम कर्नाटका में ही चल रहे हैं। किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब फाइनली हमने लिया है डिनर ब्रेक। रात के कितने बज रहे हैं? 10:30। आप सोचिए कराड़ से हम थोड़ा आगे हैं और पुणे से थोड़ा पहले। दोपहर को कितने बजे चले थे हम? 4 बजे के आसपास। 6 घंटे का नॉन स्टॉप रन, आप सोचिए, मतलब जितना ज़रूरी ट्रेन में वॉशरूम है ना, उतना ज़रूरी मानिए बसेस में वॉशरूम है। आप यहाँ पर SRS की स्कैनिया देख लीजिए और इस तरफ ऑरेंज की आप देख लीजिएगा, ये हो गई B11R और वहाँ उस तरफ हमारी खड़ी है हमारी वाली बस। पेशेंस चाहिए कितने मोर देन। हाँ सौम्या, कितना टाइम हो चुका है? सुबह हम चले थे 8 बजे, रात के बज रहे हैं 11:12, 3:15 घंटे हमको ऑलरेडी हो चुके हैं। और क्या करने को बस में? खाली खाते रहो, सोते रहो, खाते रहो, सोते रहो। खाने का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना भाई, सच में खाने का ध्यान रखिएगा, बिकॉज स्लीपर है ना तो आपको लेटे ही रहना है। हाँ, आप कर नहीं सकते हो। हाँ, और रात को आप सोचो 11 बजे आप डिनर करोगे और अब वापस 6 घंटे 7 घंटे अब बस चलेगी नॉन स्टॉप। वॉशरूम वगैरह सब ठीक है? फीमेल का वॉशरूम वगैरह सब ठीक ठाक? चलिए वॉशरूम भी। सबसे पहले आपको कॉस्टिंग बता दूँ, जो हमने पे किया है वो है अराउंड 3,500 रुपीज़ पर पर्सन।
तो दोनों का मिला के आप कर लीजिए कुछ 7,200 हमने पे किया भाई। रूट इतना लंबा है 1500 किलोमीटर का, बस यहाँ पर डिनर विनर सब हो जाए और फिर यहाँ से भी चलेंगे पूरा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे आज निकलेगा रात में। देखो रूट कोशिश कर रहा हूँ जितना भी आपको दिखा पाऊँ, यहाँ पर आप देख लीजिए अगेन दिस इज NH 48। सुबह से ऐसा लग रहा है NH 48 पे ही चल रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें हमारे गाड़ी के अब ड्राइवर दादा चेंज हो रहे हैं, अब आप पूरी नाइट में ड्राइव करने वाले हैं बराबर। आपसे जानना चाहेंगे कितने साल से आप वॉल्वो चला रहे हैं? वॉल्वो 13 साल हो गए। अच्छा, और 9600 भी आप चलाते हो? 96 ट्रेनिंग होना चाहिए उसका। अच्छा, तो उसका ट्रेनिंग करीब कितने दिन का होता है? दो दिन का है। दो दिन का उसका ट्रेनिंग है, फिर B11R और फिर 9600। 9600 नया गाड़ी अपना। बराबर, B11R अलग गाड़ी है। तो आप B11R ही चलाते हो कि 9600 भी चलाते हो? चलाए वो भी चलाएंगे लेकिन उसका स्पेशल ट्रेनिंग रहता है। उसका ट्रेनिंग रहता है, ठीक है। आपसे जानना चाहेंगे दिन में वॉल्वो B11R चलाने में मजा आता है कि नाइट में? वो सब सारा नाइट में थोड़ा अच्छा लगता है। नाइट में अच्छा लगता है, दिन में ट्रैफिक ज्यादा रहता है ना। अच्छा, और इस वाली गाड़ी का करीब माइलेज आप क्या मान के चले? अराउंड 2.5 2.6। और जो डीजल की बात करें बेंगलोर से अहमदाबाद करीब कितना डीजल कंज्यूम होता? 556 होता है। 556 होता है। और टॉप स्पीड इसका करीब कितना जा रहा है? 100 पे लॉक रहता है गाड़ी। 100 पे गाड़ी लॉक है। अब यहाँ से आप रात को 11 बजे आप स्टार्ट कर रहे हो, सुबह आप करीब कितने बजे तक ड्राइव करने वाले हो? नींद आने तक चलाएंगे हम लोग। मूड पे चलता है। चलिए, थैंक यू सो मच दादा, आपको बता दिया। यहाँ से अब गाड़ी के ड्राइवर दादा चेंज हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया। और रात का आप ये माहौल देखिए, अब सीधा मैं सोने वाला हूँ, अब मेरी आपसे मुलाकात होगी कल सुबह, देखेंगे जहाँ दिन होगा जहाँ सवेरा होगा वहाँ आपसे मिलेंगे। बस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा एंड दिस इज़ Part 1। Part 2 भी देखिएगा, आपके सामने बैक टू बैक जर्नीज एंड बैक टू बैक ट्रैवल व्लॉग्स। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ Day 2 ऑफ बेंगलोर टू दिल्ली बस जर्नी। पहले हम जा रहे हैं बेंगलोर से अहमदाबाद, ये मानिए लगभग 1100 किलोमीटर्स का सफ़र करने के बाद और ना जाने कितना टाइम ट्रैफिक में बिताने के बाद अब हम पहुँचे हैं वाड़वली, ये हो गया गुजरात। सुबह के बज रहे हैं कुछ अराउंड 8:30 और आप यहाँ पर हमारी बस देख सकते हो। अब हमने लिया है ऑफिशियली ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक, मोर देन 24 आवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तो यही नहीं पता कि हमारी बस, ये वाली आप देख लीजिए वॉल्वो B11R, आखिर अहमदाबाद कितने बजे पहुंचेगी। और गुजरात में आपका स्वागत है, कर्नाटका से शुरुआत की, रात को चले महाराष्ट्र में और सुबह आँख जब खुली है तो कहाँ पर हैं? गुजरात में। ये है #IncredibleIndia। कर्नाटका में आपको डोसा मिलेगा, महाराष्ट्र में आपको वड़ा पाव मिलेगा, गुजरात में आपको मिलेगा ढोकला। ये है इस देश की स्पेशलिटी। और यहाँ देख लीजिएगा अभी भी आपके, हाँ अभी भी हम चल रहे हैं NH 48 पर, बट आपको बता रहा हूँ रोड की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। ये देखो, ये हो गया काठियावाड़ी होटल नीलगिरी, यहाँ पर आप और भी ना जाने कितनी बसेस देख सकते हो। लॉन्ग बस जर्नीज भाई टास्क है, सबसे अच्छी बात है वॉशरूम वगैरह क्लीन है तो बस जर्नी हो जाएगी। पूरी रात ड्राइवर दादा ने भाई साहब ड्राइव किया, अब यहाँ पर हमारी गाड़ी के वापस ड्राइवर दादा चेंज होंगे। सच में लॉन्ग बस जर्नी करना और कंटेंट बनाना और पेशेंस रखना, मतलब सच में ये है व्लॉगिंग। आप पूरी बस जर्नी देख ही रहे हो, फाइनली अब ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा खाने को मिला और बिकॉज हमें है गुजरात में, सौम्या लोकल गुजराती, जरा आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये ढोकला लिया है हमने, यहाँ पर ये हो गया फाफड़ा, ये हो गया थेपला, ये पपीते की चटनी है ना, हाँ। और ये देखो ये कुछ और है, अगर किसी को पता हो जरा कमेंट करके बताना। और यहाँ पे हमने इडली वड़ा लिया है, आपको बता रहा हूँ ना, ये मानिए दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, कल रात को भी कुछ नहीं
रात को भी कुछ नहीं खाया, बट फाइनली अब ब्रेकफास्ट मिला है। और गुजरात में ये है गुजरात का मज़ा, आपको मिलता है मस्त। क्या ना सौम्या, मज़ा आया ना? बिकॉज क्या है, मुश्किल से 20 मिनट का स्टॉप है, तो जल्दी से खाइए और फिर आपकी बस जर्नी कंटिन्यू होगी। बट ब्रेकफास्ट अच्छा करना है, अभी तो आगे शायद और ट्रैफिक जाम है। अब देखो अहमदाबाद पता नहीं हम कब पहुँचेंगे, यही होता है यार ट्रैफिक का ना, कोई भरोसा होता नहीं। लेट्स सी, बट पहले एकदम डिलीशियस ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट। फाइनली अहमदाबाद में आपका स्वागत है। ऑफिशियल टाइम था 12 बजे का, हम पहुंचे हैं 4 बजे। कल सुबह के चले 8 बजे, आप यहां पर देख लीजिएगा हमारी बस। और लोकेशन आपको बता दूं, दिस इज़ नारोल सर्कल के आसपास। अब यहां से पिकअप वैन लेके जाएगी जो अंदर सिटी में आपको जाना है। कितनी देर की जर्नी, 32 आवर्स की जर्नी। और अभी तो मैं सिर्फ अहमदाबाद पहुँचा हूँ, पार्ट टू देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना, आपके लिए अहमदाबाद से दिल्ली की जर्नी। बस यही है, बैक टू बैक आपके सामने व्लॉग्स आते रहेंगे। व्लॉग कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपको चाहिए पेशेंस, देखो जितने पैसेंजर्स हैं अब सब यहाँ उतरेंगे, अब यहाँ से पिकअप वैन लेके हम जा रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे सिटी के अंदर नारोल सर्कल के। यहाँ से कौन कौन ये व्लॉग देख रहा है ज़रा बताइएगा ज़रूर। सोचिए 12 बजे का था, 4 बजे पहुँचे हैं। अब यहाँ से वापस ये बस जाएगी आधे घंटे के अंदर फ्रॉम अहमदाबाद टू बेंगलोर, ठीक है। बाकी सब बस जर्नीज के प्लेलिस्ट के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नी। सबसे पहले होटल चाहिए, शावर चाहिए, सच में सोचिए 32 आवर्स तो हो गए अभी यहाँ से दिल्ली की जर्नी। और पार्ट टू देखिएगा ज़रूर, ठीक है। टाटा, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आसपास साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें।